देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मुजफ्फरनगर से। देखिए हमारे संवाददाता नवनीत शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पुलिस व प्रशासन की तरफ से मैं मुजफ्फरनगर के समस्त जनपद वासियों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यह अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके घर पर, आसपास किसी संस्था में, किसी धार्मिक स्थल पे, कहीं पे भी कोई भी ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति हैं जो बाहर से आए हैं, किसी अन्य जनपद से, राज्य से या विदेश से, तो तत्काल उसकी सूचना मुजफ्फरनगर पुलिस व प्रशासन को दें। आप 112 पे कॉल करके दे सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है 9690-112-112 उस पर भी दे सकते हैं। जिला नियंत्रण कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सूचना को छुपाएं ना। ऐसा जो भी व्यक्ति है केवल उसका मेडिकल चेकअप और ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु यदि यह पाया जाता है बाद में किसी और रास्ते से, पुलिस और प्रशासन यह पता करता है कि कहीं लोगों को इस प्रकार से छुपाया गया है, सूचना नहीं दी गई है, तो उसमें एपिडेमिक एक्ट व IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए उन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा जिन्होंने इस प्रकार की सूचना को इस आपदा के समय में छुपाने का प्रयास किया है। मेरी आप सभी से अपील है कि बिल्कुल कोई सूचना न छुपाएं, पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, आपकी मदद के लिए है और आपको प्रॉपर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए है। सारी सूचनाएँ हमसे शेयर करें, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि सारी मदद साथ में मिलकर करी जाएगी, लेकिन अगर कोई भी सूचना छुपाई जाएगी तो उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। किसी प्रकार की सूचना को बिल्कुल न छुपाएं और तत्काल हमें अवगत कराएं। थैंक यू।